नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विद्या बालन जल्दी फिल्म नियत में दिखाई देगी। हाल ही में उन्होंने मैशेबल से बात करते हुए बताया कि एक बार उन्हें किसी ने भीख मांगने की चुनौती दी थी। विद्या ने ये डेयर स्वीकार कर ली और मुंबई के एक 5-स्टार होटल के सामने करीब एक घंटा भीख मांगते हुए गुजारा। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में भीख मांगने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। विद्या बालन ने कहा कि उन्होंने किसी से जिमजैम बिस्किट के लिए शर्त लगाई थी। उन्होंने बताया, मैं इंडियन म्यूजिक ग्रुप नाम के एक ग्रुप का हिस्सा थी। ये ग्रुप हर साल क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करता था। ये 3-4 दिन चलने वाला फेस्टिवल है और इस दौरान रात भर लगातार परफॉर्मेंस हुआ करती थी। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा थी। कमेटी के साथ मैं वॉलंटियर किया करती थी। ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता था। हम इस बात का ख्याल रखते थे कि फेस्टिवल के दौरान हर काम व्यवस्थित ढंग से हो। रात में जब हमारा काम खत्म हो जाता था तब हम नरीमन पॉइंट तक टहलने जाते थे। विद्या बालन ने आगे बताया, एक बार की बात है, मुझे चैलेंज दिया गया कि मैं ओबराय द पॉलम्स की में उनकी कॉफ़ी शॉप पर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटा कर ये बोलूं कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो मैं वहां गई और मैंने ये करके दिखाया। मैं लगातार शॉप का दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैं वहां खड़े होकर कह रही थी कि मुझे खाने के लिए दे दो। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं एक एक्टर हूँ। मेरे लगातार खटखटाने से वो लोग इरिटेट हो रहे थे। विद्या बालन ने आगे कहा, अंदर बैठे लोग इरिटेट होने लगे थे लेकिन मैं कहती जा रही थी कि प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी देर बाद लोगों ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरे दोस्त ये देखकर शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मुझसे वापस आने को कहा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला लेकिन मैंने शर्त जीत ली। विद्या बालन ने शर्त स्वीकार करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैंने जिमजैम बिस्किट्स के लालच में ये डेयर करने के लिए हाँ की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।